आजकल लोग एकादशी व्रत करते हैं, कहते हैं महाराज एकादशी है आज, घर में एकादशी व्रत रखने का बड़ा महत्व है साहब, जीवन में एकादशी व्रत करने का बहुत महत्व है, लेकिन व्रत को व्रत की तरह करो तब महत्व है। प्रतिदिन घर में 500 रुपए की खुराक बनती है और जिस दिन एकादशी आती उस दिन 2000 की लिस्ट तैयार हो गई साहब। एकादशी आती है किस तारीख में है, फलानी तारीख में एकादशी है, दो दिन पहले बुखार आ जाता है घर के मालिक को, एकादशी आ रही, घबराने लगता है, एकादशी आ रही क्यों फलार की व्यवस्था करनी, इतना महंगा फलार हो गया। अरे महंगा होता रहे फलार, हमको व्रत व्रत की तरह करना है, फलार को आहार नहीं मानना है। लोग फलार को आहार मानते हैं, कहे सेव संतरा भी आ जाए, थोड़ा रबड़ी और मोतीकंद भी आ जाए कलाकंद, क्यों भाई ये फलार है, ये व्रत है नहीं, केवल आधार के रूप में हमें फलाहार लेना है, आहार के रूप में फलाहार नहीं लेना, आधार के रूप में, समझ रहे हो कि नहीं, आधार के रूप में। माताओं से भी कह रहा हूं, भाई बहनों से भी, बहनों से ही नहीं कह रहा हूं, भाइयों से भी कह रहा हूं, सभी से कह रहा हूं, अबाल वृद्ध नर नारियों से सबसे कह रहा हूं, समान रूप से आधार के रूप में फल फलार को मानो, आहार नहीं। यहां करही आहार साक फल कंदा, 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 सुम रही सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं, ब्रह्म सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कौन है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, वो सच्चिदानंद ब्रह्म, तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप को नष्ट करने वाला, उसका चिंतन व्रत में ब्रह्म का चिंतन इसलिए किया जाता है कि हम त्रैताप से मुक्त हो जाए। बोलो भाई, कोई भी व्रत हो उसमें ईश्वर की आराधना की जाती है कि हम त्रैताप से मुक्त हो जाएं। तीन ताप होते हैं ना, दैहिक दैविक और भौतिक। सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं, ये तप है। ठाड़े रहे एक पद दो, खड़े तो हैं लेकिन एक पैर के बल खड़े हैं, शत्रुपा जी भी वैसी खड़ी है, बैठ के तप नहीं किया, खड़े होके तप किया है, बोलो किया कि नहीं किया। ऋषि मुनि महात्मा तो बैठ के तप करते हैं, हमारे भरत जी महाराज ने भी बैठ के तप किया था, क्यों भाई, नंदग्राम कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुरी धीरा, एक गुफा खोदी उस गुफा में बैठ गए तप किया, बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, दिव्य संत हैं, उन जैसा कौन संत होगा, तात भरत तुम सब विधि साधु रामचरण अनुराग अगाधु, ऐसे संत हैं लेकिन बैठ के तपस्या कर रहे हैं, गुफा के अंदर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन महाराज मनु और शत्रुपा, और एक बात बतावे, उर्मिला जी भी तप कर रही हैं भवन में, और लक्ष्मण जी महाराज भी तप कर रहे हैं भगवान के साथ, लेकिन कछुक दूर सज बान सरासन जागन लगे बैठ वीरासन, बैठ वीरासन, तो बैठ के तपस्या हो रही है कि नहीं। उर्मिला जी भी भवन में तपस्या कर रही हैं, इधर नंदीग्राम में भरत जी तपस्या कर रहे हैं, मांडवी जी भी भवन में बैठ के तपस्या कर रही हैं,
लेकिन मनु और शत्रुपा एक साथ नैमिष में तपस्या कर रहे हैं, एक साथ, और दोनों ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के बल खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या तो ध्रुव जी ने भी की, लेकिन बैठ के तपस्या की, बोलो की कि नहीं की ध्रुव जी ने? बहुतों ने तपस्या की साहब, भगवान शंकर ने भी, बीते सम्मत सहित सतासी तजी समाज संभु अवनाशी, लेकिन बैठ के तपस्या की कि नहीं की? कैसे तपस्या की भगवान शिव ने? बैठ के। लेकिन महाराज मनु शत्रुपा में कैसे तपस्या की? ठाड़े रहे एक पद दो, इसका मतलब है पति पत्नी में अनुकूलता है कि नहीं? दोनों एक ही पैर के बल, इसका मतलब है मनु जी खड़े हुए होंगे एक पैर के बल, तो शत्रुपा जी ने कहा कि मैं भी एक ही पैर के बल खड़ी रहूंगी। महाराज मनु ने कहा सुनो, कंद मूल फल जो मिलेंगे उनको आहार मान लूंगा, मिलेंगे उनको आहार मान लूंगा, वही आधार होगा, लेकिन तुम्हें अगर इसमें परेशानी हो तो तुम्हारी व्यवस्था भोजन आदि की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 88,000 ऋषि रहते हैं वहां, साधारण भूमि थोड़ी है, साधारण भूमि है नैमिषारण्य, तो वो सब ऋषि मुनि महात्मा तो पर्याप्त ना लेते होंगे, तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। शत्रुपा जी ने कहा ना, आप जो ग्रहण करेंगे, जो उच्छिष्ट शेष बच जाएगा उसको बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा। देखिए कितना अच्छा भाव है, बोलो अच्छा भाव है कि नहीं है? आप जो ग्रहण करेंगे स्वामी, वो आहार हो चाहे फलाहार हो, हमें इसको नहीं देखना है, बाद में जो शेष उच्छिष्ट बचेगा उसको मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगी नित्य। इसलिए परंपरा बन गई, पुरानी परंपरा थी कि पति की थाली में पत्नी भोजन करती थी। क्यों भाई, ये परंपरा थी कि नहीं? पुरानी बात बता रहे हम कि पत्नी पति की थाली में भोजन करती थी, पति कर लेता था, उच्छिष्ट जो बच जाता था उसको वो ग्रहण करती थी। अब उल्टा हो गया, समझ रहे कि नहीं? उल्टा हो गया आप सिस्टम सब, सिस्टम ही उल्टा हो गया। खैर कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मन नहीं मानता तो कभी कभी थोड़ा बहुत तो कह ही देता हूं। एक जगह हम कथा कहने गए, तो कथा रात्रि में होती थी और थोड़ा कुछ देर रात तक होती थी कथा, पता नहीं वहां मार्केट वार्केट बंद हो जाता था जब ज्यादा, तब लोग कहते थे महाराज बाजार वाजार बंद करके आएंगे तब कथा सुनेंगे। चलो भाई तुम लोगों की श्रद्धा है, कोई बात नहीं। अब ठंडी का टाइम है, जनवरी में कथा हो रही साहब, और रात्रि देर रात तक हो तो बोलने वाले को भी दिक्कत है, सुनने वालों को दिक्कत, लेकिन संख्या बहुत होती थी रात्रि में, प्रेमी तो थे वहां के लोग, बाजार वजार मार्केट दुकान बंद करके आते थे बिल्कुल, तब कथा में बैठते थे और खूब सुनते थे, ठंडी खूब पड़े, अपना अपना साधन कम्बल अम्बल सब लेके आते थे। चलो उत्साह बढ़ता था वक्ता का कि ठंड बड़े ही पड़ रही है, लेकिन भीड़ तो बहुत है, सुन रहे हैं। एक दिन की बात बतावे आपको, कथा बहुत देर तक मैंने कह दी, विश्राम था उस दिन। अब जब देर ज्यादा हो गई तो एक श्रोता ऐसा था कि वो बाद में जाके भोजन करता था, पहले कथा सुनता था फिर बाद में भोजन करता था उसका नहीं, लेकिन उस दिन ज्यादा लेट हो गई ना कथा, भोजन तो करके आया नहीं था। जैसे ही पहुंचा तो पत्नी कथा की प्रेमी नहीं थी, वो कथा में आती नहीं थी, ना कथा के प्रति प्रेम था उसका, वो उसने अपना अंदर से कुंडी बंद कर ली और उसने बहुत खटखटाई, पूरा मोहल्ला जग गया, लेकिन वो तो नाटक कर रही थी, सो थोड़ी रही थी। लेकिन जब मोहल्ला वालों ने डांटा कि खबरदार मर्यादा नाम की चीज नहीं है, पूरा मोहल्ला कह रहा है, चिल्ला रहा है, अंदर से किवाड़, तो शर्म के मारे उसने फिर खोला, जब लोगों की सैकड़ों लोगों की आवाज सुनाई देने लगी, बस नाराज है, बहुत नाराज है। अब समझना जरा बात, क्या स्थिति, हम तो उसकी बात सुनकर के अभी तक हमको भूल नहीं रही है वो बात, कम से कम 35 साल हो गए और ज्यादा ही हो गए होंगे, चाहे 35 साल पुरानी घटना, आज भी नहीं भूल रही वो बात, नाराज हो गई वो,
नाराज तो थी और नाराज हो गई कि तुमने सैकड़ों लोगों से ये सब नाटक करवाया। तो धीरे से पति कहता है भूख लगी है, भोजन चाहिए। कहा रसोई में रखा है भोजन, आराम से चुपचाप खा लो, नींद खराब मत करो। सीधा साधा था। उसने कहा कि कथा में स्वामी जी कहते ना विवाद नहीं करना चाहिए, संवाद करना चाहिए पत्नी से, लेकिन विवाद की कंडीशन है भोजन के पीछे विवाद करें। अब ही तो कथा सुन के आएगा, कथा का असर क्या रहेगा। तुरंत गया अंदर, देखा तो रोटियां बहुत कड़क हो गई थी, ममता बनर्जी से भी ज्यादा कड़क, बहुत कड़क कड़क रोटियां, ठंडी का टाइम, दांत कमजोर थे, कुछ तो दांत ही चले गए थे, कुछ रह गए थे वो भी किसी काम के नहीं थे। अब वो कड़क रोटियां कैसे जो है खाए। तुरंत आया, बोला एक काम करो रोटी मत बनाओ, रोटियों को केवल गर्म कर दो, रोटी मत बनाओ केवल गर्म कर दो बस। का खाना हो खाओ, नहीं चुपचाप लेट जाओ, फालतू की बात मत करो, हमारा मूड गर्म हो गया है, हमारी खोपड़ी ज्यादा गर्म हो रही है, बस बात करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जो है पा लीजिए, नहीं चुपचाप सो जाइए। तो कहता है एक काम करो, रोटी गरम करने में तो टाइम लगेगा, थोड़ा घी ही गरम कर दो। तो गरम गरम घी अगर सूखी रोटियों पर लग जाए तो कुछ मुलायम हो जाता है, तो थोड़ा सा घी ही गरम कर दो। तो कहती है ना रोटी गरम करूंगी ना घी गरम करूंगी, चुपचाप जो है चुपचाप खा लो। और ज्यादा अगर तुमको ये लगता है तो पहले ये बताओ इतनी देर तुमने कहां लगाई। कहे तुम्हें पता नहीं है कथा सुन रहा था, इतनी देर तक कौन बोला। कहे जगतगुरु, तो बोले जगतगुरु को बुलाओ, वही गरम करें, वही खिलावे। अब बताइए आप कितनी बड़ी चुनौती आ गई मेरे सामने कि कथा भी सुनावे तुम्हारे घरों में जाके काम भी करें हम। ये उसने सब सुनाया दूसरे दिन आकर के, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उससे बीती उसने सुनाया, स्पष्ट सत्य बोलता था वो। वो अंदर गया, थोड़ा सा क्रोध उसे भी आ गया, क्रोध है अब आ गया क्रोध। वो घी की कटोरी उठा के लाया और पत्नी के सिर पर रख दी उसने। पत्नी बोली ये क्या कर रहे हो। कहा गैस से ज्यादा गर्म तो तुम ही हो गई हो, और तुम्हारी खोपड़ी गर्म हो गई है, अब तुरंत ही घी गर्म हो जाएगा, अब गैस चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं पड़े, समझ रहे हो। ऐसी ऐसी विडंबनाएं हैं घरों के अंदर। उसने दूसरे दिन आकर के पूरा वृतांत सुनाया रात्रि का कि महाराज आप तो विश्राम की कथा में आज जा रहे हो, हम आपको प्रणाम करने आए कि हम कैसे जूझे रात को, लेकिन आपकी कथा ने संघर्ष बचा लिया। इतना मैंने गंभीरता का परिचय दिया कि मैंने हर पल हर क्षण विवाद को टाला, अंत में फिर मुझे थोड़ा सा क्रोध आया तो घी की कटोरी ही धर दी पत्नी के ऊपर, सिर के ऊपर। मैंने कहा देखो ये जीवन है, इसी जीवन में ग्रह कारज नाना जंजाला, जो मैंने अभी चर्चा की ना आपने सबने सुना। परंतु अगर पत्नी कथा सुनने आई होती तो उसके विचार बदले होते कि नहीं होते, बोलो बदले होते विचार कि नहीं होते। कथा से विचार बदलता है, कथा से संस्कार जीवन में आता है, कथा इसलिए सुनना चाहिए। आज सत्संग का यह प्रभाव है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सत्संग करते हैं, नैमिषारण्य सत्संग की भूमि है। बोलो किसकी भूमि है नैमिषारण्य, सत्संग की भूमि है। और सत्संग की भूमि पर पति पत्नी दोनों खड़े हुए हैं, और सत्संग का यह प्रभाव है कि आज पत्नी कह रही है कि नहीं नहीं उच्छिष्ट ग्रहण करूंगी, क्या करूंगी उच्छिष्ट प्रसाद, वो मेरे लिए प्रसाद महाप्रसाद होगा, उसको ही ग्रहण करूंगी मैं। हे स्वामी आप चिंता मत करो, पत्नी का धर्म है कि पति को चिंता मुक्त करे, अगर कुछ भी ना हो देने के लिए तो शब्द तो हो कम से कम सरल, शब्दों का व्यवहार तो सुधरा हुआ हो, कुछ देने के लिए ना हो तो प्रेम के शब्द तो हो, इतना ही बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा आधार है। शत्रुपा जी की आंखों में आंसू हैं,
और कहती है महाराज आपका प्रसाद उच्छिष्ट में ग्रहण करूंगी। भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे पहले तो शंकर जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, विष्णु त्रिदेव, क्यों भैया इस व्यवहार से तीनों देवता प्रसन्न हो गए कि नहीं। यही तप है। पति पत्नी में अगर आपस में प्रेम है तो यह सबसे बड़ा तप है। और इस तप से नैमिषारण्य जाने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी अगर घर में प्रेम से रहने लग जाए, प्रेम का व्यवहार वातावरण बन जाए, तो घर ही नैमिषारण्य हो जाएगा। त्रिदेव तुम्हारे घर में एक ना एक दिन जरूर आएंगे। त्रिदेव आएंगे, ब्रह्मा भी आएंगे, विष्णु भी आएंगे और शंकर भी आएंगे। यही हुआ है। विधि हरि हर तप देख पारा ओ मनु समीप आए बहुवारा। एक बार नहीं आए, बहुवारा। बहुवारा का अर्थ क्या करोगे, अनेक बार आए ना, अनेक बार आए। मांग ही बड़ा बहु भांति लुभाए लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। बार बार कहते हैं मांगो मांगो मांगो। महाराज मनु ने कहा कि मांगूंगा दोगे, कहे हां जो मांगोगे सो मिलेगा। जानते हो क्या मांगा, सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद से मिला दो, ये मांगा। किससे मिला दो, ब्रह्म सच्चिदानंद से मिला दो, और कुछ नहीं चाहिए, केवल सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। लेकिन ब्रह्म सच्चिदानंद तो निर्गुण है भैया, क्यों भाई है कि नहीं। अब मिला किससे, सगुण से मिला जाता है कि निर्गुण से। निर्गुण की तो अनुभूति होती है, क्यों भाई, लेकिन मिलन होता है तो सगुण से होता है। लेकिन महाराज मनु कहते हैं कि सच्चिदानंद से मिला दो, और कुछ नहीं चाहिए। शरीर तो बिल्कुल दुर्बल है, अस्थि मात्र हो गए शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। शरीर अस्थि पंजर हो गया, कुछ नहीं बचा, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, लेकिन मन में पीड़ा नहीं है। मन में यह पीड़ा नहीं है कि शरीर हमारा नष्ट हो रहा है। मन में केवल एक ही पीड़ा है कि ब्रह्म सच्चिदानंद मिल नहीं रहा है। ब्रह्म सच्चिदानंद मिल जाए, बस यही एक लालसा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से डिमांड कर रहे हैं कि ब्रह्म सच्चिदानंद से मिला दो। इन तीनों ने जवाब दे दिया कि ब्रह्म सच्चिदानंद निर्गुण है और मिलोगे तो सगुण मिलता है, लेकिन सगुण है कहां, वो तो निर्गुण है। अनुभव करो, अनुभव करो। कह नहीं मिलता है, मिलता है। कह वो तो निराकार है। मनु जी ने कहा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो साकार है। आप कह रहे हो निराकार है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि वो साकार है। तो इन त्रिदेवों ने कहा फिर तुम क्या कह रहे हो। मनु जी कह रहे हैं मैं भक्त हूं और इतना विश्वास है कि भगवान यही कहता है, आप सुनते नहीं हो, ना ब्रह्मा जी सुनते, ना विष्णु जी सुनते, ना शंकर जी सुनते, आप सुनते कहां हो, वो कहता क्या है, सुनो जरा ध्यान से। इन संतों ने हमें यही सुनाया है, यही बताया है नैमिषारण्य में कि वो ब्रह्म यही कहता है, ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्ति की भावना से तदाकार हूं, भक्ति की भावना से तदाकार हूं। भक्त जैसा मुझे बनाना चाहेंगे हम वैसा ही बनने को तैयार हैं। तो अगर हमारी भक्ति में कमी होगी तो वो नहीं आएगा, और अगर हमारी भक्ति में पूर्णता आ जाएगी या आ गई होगी या आगे आएगी, तो विश्वास है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही वो बन जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि विश्वास की जरूरत है कि नहीं, किसकी जरूरत है, विश्वास की जरूरत है प्यारे। और विश्वास है महाराज मनु को, इसलिए अस्थि मात्र हो गए शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। पीड़ा वीड़ा कुछ नहीं है, शरीर चाहे जितना दुर्बल हो गया हो,
लेकिन विश्वास है कि वो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, आएगा आएगा, ब्रह्म सच्चिदानंद ही आएगा, विश्वास है। ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से कि चलो चले, समय पास मत करो, यहां खड़े होके दुनिया का वर्णन कर रहा है, ये संभव है क्या? शंकर जी बोले हमारा देवता समर्थवान है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन लेकिन क्या है, जब भक्ति में पूर्णता आ जाए तब, पूर्णता आ जाए तब। चले गए तीनों, जब तीनों चले गए तो ब्रह्मनाद हुआ, ब्रह्मवाणी सुनाई दे रही है महाराज मनु, और ब्रह्मवाणी का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। देखो सुनाई ही नहीं दे रही है, देखो सुनाई दे केवल इससे काम चलने वाला नहीं है, दिखाई दे रहा है प्रभाव। अब दिखाई क्या दे रहा है, सुनना ध्यान से सुनना, ये अंतिम 10 मिनट की बात है, क्योंकि ब्रह्म को प्रकट कराना है ना, तभी तो कल जन्म होगा। जब नैमिषारण्य में प्रकट होके वचन नहीं देगा तो कल जन्म होगा क्या? हम कैसे जन्म कराएंगे? कल जन्म तो तभी होगा जब वो आश्वासन दे। अभी आश्वासन मिला नहीं, हम कहे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ऐसे थोड़ी कह पाएंगे। इसलिए अंतिम 10 मिनट, 5 बजे विश्राम, क्योंकि 4:50 हो गए, 10 मिनट, 2-4 मिनट का अंतर होगा हमारा तुम्हारी घड़ी में, ऐसी बात नहीं, कम ज्यादा 2-3 मिनट हो सकते हैं, लेकिन हमारी घड़ी जो है कायदे से सिस्टम से मिली हुई है बिल्कुल। ये घड़ी जो है रेलवे टाइम की घड़ी है, उसी से मैं मिलाता हूं, तुम लोग भी शायद उसी से मिलाते होगे, है नहीं? तो 2-4 मिनट का अंतर तो सबके में रहता अपने हिसाब से, लेकिन 2-4 घंटा को नहीं रहा अंतर। एक आदमी की 3-4 घंटा लेट चल रही थी घड़ी, हमने कहा स्टेशन से मिलाई कि टेलीविजन से मिलाई, बोले ससुराल से मिलाई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। यहां तो घड़ी सत्संग से मिली है, किससे मिली है? सत्संग से मिली है, हमारी भी और तुम्हारी भी सत्संग से। वाणी सुनाई दे रही है, विश्वास की बात है, भक्ति में पूर्णता आ गई, क्योंकि पति पत्नी में यदि अनुकूलता है तो वो वहीं भक्ति प्रकट हो जाती है, भक्ति इधर उधर नहीं रहती है, जहां परिवार में प्रेम होता है वहीं भक्ति प्रकट होती है। इसलिए परिवार में भक्ति का साम्राज्य स्थापित करो, और भक्ति का साम्राज्य तब स्थापित होगा जब आपस में प्रेम होगा तब, और प्रेम में भी उपासना होनी चाहिए, स्वार्थ का प्रेम नहीं होना चाहिए। आज तो स्वार्थ सांच जीव करे यहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, ये होना चाहिए प्रेम, ये ऐसा स्वार्थ होना चाहिए, ऐसा स्वार्थ सार्थक है, बोलो है सार्थक कि नहीं? स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। आगे बड़ी सुंदर बात, ब्रह्मना ब्रह्मवाणी, माग माग बर भई न भवानी, ओ परम गंभीर कृपा मृत सानी। ये गंभीर नहीं है, परम गंभीर है, परम गंभीर कृपामृत सानी, कृपा से सनी हुई वाणी परम गंभीर है। शरीर अस्थि मात्र हो गए उस शरीरा, लेकिन वो वाणी कृपामृत, कृपा का अमृत है, इसलिए मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंद हो, और जब आई अमृत पहुंच गया, कृपा अमृत पहुंच गया, कृपा अमृत, बोलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो कृपा अमृत के प्राप्त होते ही हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय मानव अभी भवंते आए, जैसे अभी भवंते आ रहे हूं, बोलो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? भक्ति में पूर्णता आ गई कि नहीं आ गई? अब कोई अभाव रह गया क्या मनु शत्रुपा के जीवन में? मानव अभी भवंते आए, ये कृपा मृत की क्षमता है, ये विशेषता है कृपा मृत की। इसलिए कृपा मृत से बड़ा अमृत संसार में कोई दूसरा नहीं है। महाराज मनु कहते हैं कि कृपा तो कर दी,
लेकिन मिला स्वास्थ्य, कृपा में मिला क्या है स्वास्थ्य। मानव अभी भवंते आए, शरीर तो अच्छा हो गया, स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, लेकिन प्रभु ऐसा स्वास्थ्य किस काम का कि परमात्मा न मिले, परमात्मा का दर्शन ना हो है? ऐसे तो कुंभकर्ण था, नींद उसको ज्यादा, जिसको ज्यादा नींद आती है डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन ज्यादा नींद लेना भी अस्वस्थता का ही कारण होता है, प्रमादी बनना, आलसी बनना है ना। कोई डॉक्टर वैसे ही बोलते होंगे, अच्छे डॉक्टर कोई नहीं कहेंगे। हाँ नींद होनी चाहिए, 5-6 घंटे पर्याप्त है, नींद 7 घंटे ले लो ज्यादा से ज्यादा, बस 6-7 के बीच में, इससे ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। और 14-14 घंटा सो रहे तो कुंभकर्ण वसीयत लिख के गया ना उन लोगों के नाम, स्वास्थ्य मिल गया, लेकिन लक्ष्य था कि परमात्मा का दर्शन हो और दर्शन सामने हो, सामने आके दर्शन हो, सच्चिदानंद का दर्शन हो। इसलिए लक्ष्य तो ये है। भगवान ने कहा कि इसका मतलब है कि वाणी से तो हम सब कुछ दे सकते हैं, तुम जो चाहो तो ले लो, वाणी से मांगो। तो मनु जी ने कहा कि मांग ही तो रहा हूं वाणी से कि आप आके दर्शन दें, आपका दर्शन चाहता हूं, आके दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा दर्शन, हाँ आना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम आए और तुमने कहा कि हमें ये रूप पसंद नहीं है, भाई तुम चाह रहे हो कि सगुण साकार बन के आऊं, लेकिन आकार लेके आऊंगा तो रूप लेके आना पड़ेगा कि नहीं? और यदि कह दिया तुमने ये रूप पसंद नहीं, तो फिर हमको जाना पड़ेगा मेकअप करने के लिए, रूप बदलने के लिए। तो फिर एक काम करो, क्या आप बता दो कि हम कौन सा रूप लेके आ जाए, आप ही बताओ। देखा, इसका मतलब है कि भगवान को कौन सा श्रृंगार करना है ये भक्त से पूछो, भक्त ही बताएगा। वैसा ही भगवान श्रृंगार करता है अपना, अपने मन से नहीं, मंदिर में पुजारी के ऊपर डिपेंड करता है को कैसा श्रृंगार कर रहा है, हैं? पुजारी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ध्यान रखना इस बात का, भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान का श्रृंगार होता है, और भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान आकार लेकर के आता है। तो महाराज मनु ने जो बताया है उसी स्वरूप को लेकर के आए हैं भगवान, कह आप बताओ। तो याद रखना, भगवान शिव का नाम पहले लिया महाराज मनु ने, किसका नाम लिया है, भगवान शिव का नाम लिया है। देखो हर जगह शिव प्रधान रूप से है कि नहीं, जल्दी बोलो, प्रधान रूप से कौन है शिव? पहले नाम शिव जी का लिया, नहीं पहला नाम ईमानदारी से बताओ, और किसी का भी लिया जा सकता था, लेकिन शिव का नाम लिया। जो स्वरूप बस शिव मन माही, 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 यही स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारत मोचन। कृपा करके जो भगवान शिव के
मन मंदिर में बसा है। इसका मतलब है कि शिवजी के मन मंदिर में बसा था लेकिन प्रकट नहीं हो रहा था। वो प्रकट किसने कराया? मनु जी ने। भुसुंडी जी के मन मानस में, देखो भक्ति के आचार्य हैं काग भुसुंडी जी, बहुत बड़े भक्त हैं, समझ लेना इस बात को। अच्छा बोलो भाई, जो भक्त होगा वो सगुण ब्रह्म का दर्शन करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? जल्दी बोलो। भक्त जो होगा, सही बात है, ज्ञानी भले ही कहे निर्गुण निर्गुण निर्गुण, लेकिन भक्त तो कहता है दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, वो ज्ञानी कहता निर्गुण निर्गुण निर्गुण, भक्त कहता दर्शन 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 दो दर्शन दो। इसलिए कहता हूं अधूरा ना तो कोई भक्त हो ना अधूरा ज्ञानी हो। ज्ञान जिसमें हो वो भक्ति को जरूर स्वीकार करे, और जो भक्त हो वो ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करे, और जो ज्ञानी हो वो भक्ति की सत्ता को स्वीकार करे। दोनों एक दूसरे के पूरक हों, जैसे मनु और शत्रुपा। ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, बोलो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? और जब ज्ञान भक्ति दोनों ही हैं, वहां एक साथ हैं, और एक साथ हैं लेकिन एक मन है, ठाणे रहे एक पद दो एक ही मन है, ऐसी कंडीशन होना चाहिए। विवाद करने की जरूरत नहीं है, ज्ञानियों भक्तों में कभी कभी विवाद छड़ जाता है। विवाद नहीं, संवाद की जरूरत है। किसकी जरूरत है? संवाद की जरूरत है, विवाद की जरूरत नहीं है। आज जैसे ही प्रार्थना हो रही थी बता दिया ये स्वरूप लेके आओ, वो निर्गुण ब्रह्म नैमिष में आया, नील सरो